गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम लोग क्लास थ्री में पढ़ेंगे आपका चैप्टर टेन देखते हैं इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपका सिलेबस जो है हम एनुअल एग्जाम में इतने सिलेबस टेन से लेकर के पढ़ना है, टेन से स्टार्ट है। हम लोग चैप्टर टेन में जो है फ्रैक्शन चैप्टर देखेंगे। फ्रैक्शन में जो होता है उससे पहले ला चुके हैं हम फ्रैक्शन में, इंट्रोडक्शन इसका है कि फ्रैक्शन जो होता है पार्ट ऑफ द होल होता है ना, क्या होता है पार्ट ऑफ द होल ऑब्जेक्ट। ये होता है फ्रैक्शन जो है क्या होता है पार्ट ऑफ द होल ऑब्जेक्ट। जैसे मान लेते हैं ये राउंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसका पार्ट करते हैं, एक पार्ट हो गया, ये दो पार्ट हो गया है ना, दूसरा पार्ट ये हो गया, क्या लिखेंगे इसका, इसका लिखा जाएगा वन पार्ट ऑफ द, ऐसे लिखेंगे इसको वन पॉइंट ऑफ द टू, टू इक्वल पास, मतलब ये करना है टू इक्वल टू, दो बराबर भाग का कर दिया है ना, वही मतलब है इसका। एक कोई समान है लेकिन ऑब्जेक्ट है जो है आपका, मान लेते हैं ये पार्ट शेड कर देते हैं है ना, ये पार्ट को रख देते हैं, हम लोग कर देते हैं, तो वन पार्ट आओगा टू इक्वल पार्ट्स कर लेंगे, दो में से एक पार्ट क्लियर किया हुआ, या इसको क्या लिखेंगे हम लोग वन बटा टू, इसको डिलीट कैसे करेंगे हम लोग वन बाय टू, वन बाई टू लिखते हैं ऐसे, इसको यहां वन हाफ लिखते हैं, जबकि एक आधा है ना, ये पार्ट हो गया आपका, ये आधा लिख रहा है ना, हाफ पार्ट कलर किया हुआ सेट किया हुआ है, क्या हो रहा है वन हाफ मिला है ना, इस तरह से भी योग हो जाता है। और या इसको लिख सकते हैं वन ओवर टू, ठीक है, क्या लिखेंगे इसका वन ओवर टू, इस तरह से लोग लिखते हैं, तो और भी ज्यादा चीज लिखते हैं लोग, सबसे पहले वन थर्ड के बारे में क्या लिखेंगे है ना, वन थर्ड जो होता है कोई चीज का तीन भाग कर दिया जाता है ना, तीन भाग करते हैं, एक चीज का होता है उसका तीन पार्ट करते हैं, जैसे कि आपने देखा है ये सर्कल देखिए, इसी को लोग हाफ करते हैं, पॉइंट है ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ठीक है, तीन पार्ट हो गए, एक दो तीन, उसको क्या लिखेंगे वन बाई थ्री है ना, ऐसे लिखेंगे है ना, या वन बाई थ्री ऐसे लिख सकते हैं, या वन ओवर थ्री भी ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसको वन बाई थ्री या वन ओवर थ्री करके हम लोग ऐसे लिखते हैं, वन थर्ड के लिए होते हैं, क्या होते हैं वन थर्ड का होता है, वन थर्ड का होता है, और इस बार फिर चलते हैं वन फोर्थ का, वन फोर्थ का है ना, वन फोर्थ का भी जो है
क्रॉसिंग सीन हो जाएगा, चार बार करेंगे, है ना, 1 2 3 4 चार बार करेंगे, फोर्थ पार्ट क्या होगा, 1 2 3 4 इस तरह से लिखेंगे हम लोग क्या इसको 1/4 या 1/4 या 1/4 लिख सकते हैं, है ना, दो तीन तरह से इसको लोग लिख सकते हैं। ये तो आपका हो गया क्या 1/4 का, इसको 1/4 लिखते हैं, इस तरह से लोग बनाते हैं, ठीक है। और भी आगे हम बनाएंगे, लिखेंगे आगे तो और देखते हैं पार्सल, ठीक है। ये तो इस तरह का पार्ट हो गया, क्वेश्चन भी जो है आपका आएगा इस तरह से, ठीक है, देखते हैं कौन सा पार्ट होता है। टू फोर्थ है तो 2/4 में जो है आपका यह है क्या हुआ, और फोर पार्ट पहले करेंगे इसको, है ना, इसको अलग कर, ठीक है। करने का मतलब है 2/4 लिखेंगे इसको, है ना, क्योंकि दो पार्ट सेट किया हुआ है चार भाग में से, है ना, क्या लिखेंगे इसको फोर पार्ट आउट ऑफ आउट ऑफ टू, ठीक है। कैसे होगा, टू पास यहां लिखा जाएगा, ठीक है, टू पास आउट ऑफ और इक्वल पास, है ना, 5 8 7 सेकंड किया गया है, इसको लगा किया गया है, है ना, इस तरह से अलग किया गया है, जो भी कर सकते हैं, लेकिन चार पार्ट आपका 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 इसमें से दो पार्ट सेट किया गया है, इसलिए 2 पार्ट लिखा गया है, ऊपर में नीचे में 4 लिखा गया है, ठीक है। नीचे वाला पार्ट है टोटल को दिखाता है, ऊपर वाला पार्ट सेट करेंगे उसको दिखाएंगे, ठीक है। हम लोग चलते हैं थोड़ा सा वन क्वेश्चन के बाद देख सकते हैं, 1/5 होता है ये 1/5 लिख सकते हैं, 1 ऊपर में 5 नीचे में, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए इस तरह से आता है, बताया गया हो उससे कह सकते हैं आपको 1 2 3 गुड बी रिकॉर्ड होगा आपको, हाँ इसमें से ये कलर किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर का पार्ट है नहीं कलर किया हुआ है, टोटल कितना आए पास 1 2 3 4 5 इसमें से 1 जो है चेक किया हुआ है, 5 जो है आपका नीचे लिखाएगा, टोटल पार्ट नीचे लिखा, ठीक है। इस तरह से लोग बनाते हैं और फ्रैक्शन नंबर्स देखते हैं क्या होता है उसका, फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होता है, फ्रैक्शनल नंबर जो होता है
जैसे हम लोग लिखते हैं 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 2/4, ये सब जो है आपका क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, इसी को हम जब लिखते हैं 1/2, 1/3, ये सब क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन। 1/3 ये सब क्या करेगा, फ्रैक्शन नंबर करेगा, है ना। किसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से, नंबर लिख रहे हैं, फिगर में इसको लिख रहे हैं ना, इसको इसलिए फ्रैक्शन नंबर कहलाएगा, इसको इस तरह से लिखेंगे। ये जो है आपका नंबर में लिख रहे हैं, लिस्ट में लिख रहे हैं, इसको हम लोग फ्रैक्शन करते हैं। ठीक है, इस तरह से जो बुनाई क्या है, और देखिए साइन जो है आपका बनेगा 39, है ना, ये जब बनेगा नोट कर लें। Okay.